सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं देश के लिए भी बहुत अहम चुनाव होता है। क्या कहेंगे सर, आज आप एयरपोर्ट से सीधा जवाहर सर के घर पे आए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई चुनाव के लिए सर? हाँ, तो मतलब जो कल भी जवाहर जी जो है ये मतलब बहुत ही हमारे मुस्लिम समाज के शिया कम्युनिटी के बहुत बड़े मौलाना है, नेता है, और उनकी भूमिका ये है कि भाई नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका है, योगी आदित्यनाथ जी की जो भूमिका है, इस भूमिका का इसलिए समर्थन करना चाहिए, उसमें ही मुस्लिम समाज का फायदा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान ऐसा झगड़ा हमेशा करते रहने से दोनों का नुकसान होता है, और हम भाईचारा मजबूत करेंगे, हिंदू मुसलमान एक साथ हम रहेंगे तो देश का विकास भी होगा, अपना भी विकास होगा। तो मौलाना का करबे जवाज जी से मेरी बातचीत हुई है, और उनकी भूमिका हमेशा ये रही कि मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, और आज मैं एयरपोर्ट से उतरकर मैं उनको मिलने के लिए इधर आया हूँ। तो 2022 में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि भाई मुस्लिम आवाम हमारे साथ आना चाहिए, उनके जो मसाइल है उसको मसाइल को हल करने के लिए जरूर हमारी सरकार कोशिश करती रहेगी, और मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा मुस्लिमों का समर्थन करती आई है, इसलिए 2022 का जो चुनाव है तो ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आरपीआई भी रहना चाहती है, मुसलमानों को भी हम हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, और दोबारा जिस तरह योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ हमेशा 4.5 साल में पूरी शांति रही है, हिंदू मुसलमानों में बिल्कुल दंगे फसाद हुए नहीं है, और योगी जी भी चाहते हैं कि भाई सब लोग मिलकर शांति से मतलब अपना स्टेट जो है ये नंबर वन स्टेट बनना चाहिए, बन रहा है। तो आने वाले 2022 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी, आरपीआई को 8-10 सीटें मिलती है, तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रिपब्लिकन पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट दे सकती है, और दलित समाज भी जो है, जो दलित समाज पर खाली मायावती का अधिकार नहीं हो सकता है, वैसा रिपब्लिकन पार्टी का भी दलित हुटों पर पूरा अधिकार है, और इसीलिए हम अभी लोगों को बताने के लिए आए कि आज तक आपने बहन को देखा है, अभी अपने भाई को भी देखिए, और यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ताकत से बीजेपी के साथ रहेगी। 2017 में बीजेपी को 325 सीटें मिली थी, अभी 325 से भी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी, और कल भी जवाहर जी और जो हमारा मुस्लिम आवाम है इसका सपोर्ट भी हम लेना चाहते हैं। तमाम मुस्लिम समाज को हमारा कहना ये है कि ज़्यादा उल्टी सीधी बात करने से कोई फायदा नहीं होता है, हम सरकार के साथ रहेंगे तो सरकार के माध्यम से समाज का विकास हो सकता है, अलग अलग योजनाओं का फायदा मुस्लिम समाज को हो सकता है, और मुस्लिम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी मतलब पूरी कोशिश होनी चाहिए, और इसी तरह मतलब मैं मुस्लिम आवाम को आह्वान करना चाहता हूँ।